तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। टॉपिक जो है आज का वो शेयर चैट का है और अर्निंग से रिलेटेड है, क्योंकि थंबनेल आपने देख ही लिया है कि आप जब कर्मा पॉइंट आपके 50,000 हो जाते हैं तो क्या आप उसको कन्वर्ट करते हैं या फिर आप उसको सीधा ट्रांसफ़र करते हैं, किस ऑप्शन में आपको पैसा मिलता है एक्यूरेट, आपकी बैंक अकाउंट में या फिर आपके पेटीएम अकाउंट में। आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी कि हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप भी चाहते हो ऐसे शेयर चैट की वीडियो देखना और कोई भी वीडियो मिस ना करना। तो भाई उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना हमारे चैनल। तो ये मेरी विनती थोड़ी सी आपसे रहती है, थोड़ा मोहब्बत आपसे रहती है, इस वजह से बोल रहा हूँ। अच्छा दूसरी चीज़ है दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, और भाई भूलना वाला इंसान सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन मैं पहले ही याद दिला देता हूँ कि वीडियो लाइक कर दिया करो, इससे मेरा मोटिवेशन बना रह करे। आज के टॉपिक पर हम बात करने वाले थे दोस्तों, तो चलो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को मैं पहले बता दूँ कि भाई जो भी लोग अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं, मेल मेरे पास आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जो लोग पर्सनली हैं वो मुझे कॉल करके बताते हैं कि भाई 50,000 कर्मा पॉइंट्स होते हैं तब आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो, राइट। लेकिन अभी हो क्या रहा है, 50,000 कर्मा पॉइंट्स आपके हो गए, आपने उसको कन्वर्ट भी कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद आपका एक दिन कोई पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया। अब लोगों के 10-10 दिन से ऊपर हो गए और उनके अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं आया है जो कर्मा पॉइंट से कन्वर्ट किया था। समझ में आ रही है थोड़ी सी बात। तो यहाँ पर अब उनको करना क्या है, देखो यहाँ पर जिन लोगों ने अपने कर्मा पॉइंट को कन्वर्ट कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, उनकी अर्निंग आ जाएगी, लेट सवेर हो सकती है लेकिन आपके अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको मेनली क्या करना है, अगर दोबारा आपके कर्मा पॉइंट अगर मान लो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 जितने भी कर्मा पॉइंट्स आपके होते हैं, जब आपको लगता है कि मुझे अर्निंग इससे, जैसे मान लो कि आपके कर्मा पॉइंट 1,00,000 हो गई तो मुझे लगता है 1,000 मेरी अर्निंग हो गई या फिर 2,000 अर्निंग हो गई, 3,000 अर्निंग हो गई, इस हिसाब से अर्निंग आपकी 2,000-4,000 रुपये हो जाए और आपको लगता है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत है, तो आपको सीधा जाना है वॉलेट में और वॉलेट में जाने के बाद उसको कन्वर्ट नहीं करना है। जहाँ आप कन्वर्ट करते हो वहाँ उस कन्वर्ट का प्रोसेसिंग होता है कुछ, और वो डेज में भी होता है, वो वीक में भी होता है, वो कभी कभार मंथ भी हो सकता है, ठीक है। तो कन्वर्ट नहीं करना उसको, सीधा उसको ट्रांसफ़र करना है। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी, सीधा उसको ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात है, जब आप वॉलेट में जाते हो तो वहाँ पर देखो दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो आप लोगों को पता है कन्वर्ट करने का, कर्मा पॉइंट को कन्वर्ट करने का, दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांसफ़र करने का। तो जब आप ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कर्मा जितने पॉइंट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करके जो आपकी अर्निंग बनती है उस अर्निंग का जो रेशियो होता है वो आपको वहाँ शो हो जाता है। जब वो शो होता है तो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए बोलता है, ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है। तो ट्रांसफ़र जैसे ही आप करते हो तो वो आपके बैंक में हैंड टू हैंड चले जाते हैं। इस बात का भी प्रूफ मेरे को लोगों ने मेल पर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूँगा, जो भी लोग ऐसे कभी फंसते हैं या फिर कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसका फ़ोटो लेके या फिर कुछ अपना मूवमेंट करते हुए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे को ईमेल पर मुझे भेज दिया करो, और ईमेल आपके नीचे सामने आता होगा, ईमेल पर भेज दिया करो ताकि मैं उसको देखूँ, पढ़ सकूँ, अच्छे से समझ सकूँ और आपके लिए वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मैं भाई आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आई हो। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है दोस्तों कि आपको कन्वर्ट नहीं करना, सीधा ट्रांसफ़र करना है। तो आज की वीडियो में लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे, बाय।